हेलो एवरीवन, आज हम शामिल हैं अपने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में। लक्ष्य 2021, हम कक्षा 12 और 10 जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी मार्गदर्शन कार्यशाला करने के साथ साथ कक्षा 12 के छात्रों को आज विदाई समारोह में शामिल हो रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन से प्रेसिडेंट हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा इस कक्ष में चेयरमैन से प्रेसिडेंट डॉक्टर भूपेंद्र चौहान जी हेड एडमिशन इंचार्ज हैं शोभित विश्वविद्यालय गंगू के, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। प्रज्वलित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह जी, माननीय रजिस्ट्रार शोभित विश्वविद्यालय गंगू, और आपके साथ साथ हमारे चेयरमैन श्री अकबर कुरैशी जी, डॉक्टर भूपेंद्र चौहान जी, श्री अनिल रॉयल जी, राजीव उपाध्याय जी, संदीप कुमार जी। मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए सम्मानित अतिथिगण, ये तैयारी आप लोगों की बताई गई कि आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस सीमा को पार कर चुके हैं जहां पर आप खड़े हैं। उन्होंने हाई स्कूल की इंटर की, स्नातक की, और बहुत सारी जो परीक्षा की वो पास की, और उसके बाद वो उस जगह पर है जहां पर सब लोग पहुंचना चाहते हैं। बाकी है हमारे रजिस्ट्रार साहब हमारे नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, और इन्होंने भी आप ही तरीके से गाँव के विद्यालय से पढ़ाई शुरू की, और आज ये उस मुकाम पर है, उस जगह है जहां हर आदमी नहीं पहुंच सकता है, केवल वही पहुंच सकता है जो मेहनत की होता है। रेस किया था और जिस तरह प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसके बाद इसी मिट्टी में एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई, और आज आपसे संवाद करने आया हूं। ये समझिएगा मैं आपकी विधि से आया हूं। कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हम दुनिया में बहुत लोगों से कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, दौड़ते हैं दूसरे को देखते हुए, किसी का अंक 90 आ गए, आपके 80 आ गए, आप परेशान होते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे जो विद्यार्थी हैं, आपसे जो सीनियर हैं, आपसे जो ज्यादा अंक लाते हैं, उनसे प्रेरणा तो जरूर लें, लेकिन प्रतिस्पर्धा में मत पड़े। दुनिया में मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ से बाजार आप जाते हैं, बाजार से घूम के पटरी की तरफ जाएं और फिर घूम के यहीं पे आ जाएं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक साइकिल लेनी है और जितने साइकिल वाले दौड़ रहे हैं इस चक्र में, उनको सबको पीछे छोड़ना है, तो आप उन्हें जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि प्रतिस्पर्धाएं कभी बुरी नहीं हो सकती। शोभित विश्वविद्यालय गंगू से पहुंचे ऑनरेबल गेस्ट, और उन गेस्ट में हमारे एडमिशन इंचार्ज हेड इंचार्ज डॉक्टर भूपेंद्र चौहान जी हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। मैं जोरदार ताली के बीच भूपेंद्र जी से आते हूं। थैंक यू। सबसे पहले कहना कि बिहार के एरिया से पहले मेरे पास जनरल प्रश्न में था एंटरप्राइज की टेंट में या प्रश्न में या हमारे पास ऐसे स्कूल नहीं था जहाँ आप मेरा एडमिशन ले सकते। उसके लिए मुझे अपना गाँव छोड़ना पड़ा, सारा प्रदेश में एडमिशन के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी से मैंने फार्मेसी की शुरुआत की, जिसके लिए मुझे बैंगलोर करता सड़क लगा। आज हमारे जिले में आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने कैरियर के लिए अपने एडमिशन के लिए कोई डिसीजन लें, सोच समझ के लें आपको क्या करना है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और मुझे सर ने बताया जी के बारे में फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा कुछ होता है। फार्मेसी में आप बायोलॉजी और साइंस ग्रुप के दोनों पद के बच्चे उसमें जा सकते हैं, दोनों की जो एडमिशन ओपन होते हैं, इक्वलेंस हो जाता है उनका। फर्स्ट ईयर का जो मैथ के बच्चे हैं उनको बायोलॉजी पढ़े जाते हैं, बायो वाला को मैथ पढ़े। प्लीज कर सकते हैं फ्यूचर में किस तरीके से आर्ट्स एंड कॉमर्स अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, उनके बारे में लक्ष्य होगा। बच्चों का लक्ष्य क्या होना चाहिए 2021 में, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महिपाल जी, शोभित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, वहाँ के सब गणमान्य टीचर्स और उनका कॉलेज की ओर से, मैं कॉलेज का मेंबर भी हूँ, उनकी ओर से आपका सम्मान करता हूँ।
अभी अभी बच्चों आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहे हैं, पूरे नहीं यहाँ से जाके यहाँ भूल जाएंगे। अभी पर्यावरण जो आपके हमारे जो है पढ़े हैं यहाँ बोल में उन्होंने बताया है कि आपको जाकर कैसे कैसे चीज बजानी है, तो वो आपको जब आप करेंगे तो आपके लिए मालिकों का सब्जन आपके ऊपर संदेश पढ़ेगी याद रखिएगा। और अभी वहाँ के प्रशासन ने आपको बताया भाई गुरु जी ने जो आपको ये करना पड़ेगा आप ये नहीं तो ये होगा। तो बच्चों अपना लक्ष्य तो बनना है, अभी कह रहे थे कि 80 नंबर है कुछ काम दे 20 नंबर वो यहाँ स्पोर्ट्स में यहाँ ये लगते हैं इसके लगते हैं 20 नंबर, ये बहुत पढ़ाई बात कर रहे हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने देखा ये बच्चे छठी सातवीं के बच्चे हैं आठवीं के कितना स्मार्ट तरीके से उन्होंने प्रोग्राम किया है ये विचार दिए हैं कि बच्चों में लगन कितनी जबरदस्त है और ये बता दें मेरे यहाँ रहना यहाँ रहना यहाँ रहना यहाँ रहना मैं विशेष जुड़ाव आपका रहता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय थाना प्रभारी थाना चिलगना श्री बी एस वर्मा जी थैंक यू उपस्थित गुरुजन आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है ये तो आप लोगों को आपके गुरुजनों ने अच्छी तरह बता दिया। हमारे टाइम में जो पढ़ाई होती थी उसमें और इस समय में बहुत अंतर आ चुका है, कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, पढ़ने के तरीके बदल गए हैं। लेकिन दो बातें मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जीवन में आपको कहाँ जाना है क्या करना है इसके लिए पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपने लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप लोगों ने यथासंभव प्रयास किया तो लक्ष्य 100% आपको प्राप्त होगा, 100% कोई विकल्प नहीं है कि ना मिले लेकिन प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। अब कहो कि डॉक्टर बनना है पढ़ाई में 2 घंटे भी नहीं करोगे तो नहीं बन पाओ, डॉक्टर बनने के लिए 6 घंटे की पढ़ाई आवश्यक है तो आप 6.5 पढ़िए और ये मेरा दावा है 100% आप डॉक्टर बनेंगे। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए यथासंभव प्रयास कीजिए, लक्ष्य आपको प्राप्त हो। दूसरी बात ये कि पढ़ाई के विषय में आज का काम कल पे बन जाए, अपने काम के लिए निर्धारित कीजिए कि आज 4 घंटे पढ़ना है भला सब्जेक्ट पढ़ना है उसको पढ़िए, ये मत सोचिए कि आज हिंदी पढ़ लिए गणित कल पढ़ लेंगे। तो जो आज आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है उसे आज ही पूरा कीजिए, कल पे अगर छोड़ देंगे तो वो बर्डन बढ़ता चला जाता है फिर तो उसे कवर नहीं जाता। अब दोनों सभी छोड़ से माननीय थाना प्रभारी थाना चिलगना श्री बी एस वर्मा जी का सम्मान और अभिनंदन इस दिन के साथ करने का कार्य करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह जी रजिस्ट्रार सुबीर विश्वविद्यालय रंगो हम लोगों के बीच पहुंचे हैं आज के चीफ गेस्ट के रूप में, एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह जी आपके प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी जी यहाँ पे शर्मा जी बैठे हैं, कई सारे टीचर अतिथिगण मीडिया के लोग हैं, भूपेंद्र चौहान जी ट्रस्टी से आए हैं, राजीव पंडित जी बातचीत सुनाई है और छात्रों मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे देखा और जैसे एक साल से पूरा विश्व कोरोना को फेस कर रहा है, बल्कि अभी कल आने से पहले हमें ये चिंता हो रही थी कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब ने 1 हफ्ते के लिए फिर ऑनलाइन क्लासेस का अनाउंसमेंट कर दिया है कि प्रोग्राम होगा नहीं होगा, लेकिन जो प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पे दी है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे बच्चों ने की है इससे लगता है कि आपका मैनेजमेंट आपके प्रिंसिपल साहब आपके सभी टीचर्स जितने भी कमेटी के लोग हैं उससे मेरा पता लगता है कि आप लोगों की कितनी अच्छी पढ़ाई हुई होगी, कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों की कराई है। कोरोना का जो डर था या कोरोना के कारण जो
डिस्टरबेंस हुआ है शायद यहाँ के मैनेजमेंट ने यहाँ के अध्यापकों ने यहाँ के सभी टीचर्स ने वो कमी आने नहीं दी है वो प्रोग्राम देखने से पता लग रहा है। तो इसलिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हैं जिस स्कूल में आप यहाँ पढ़ रहे हैं रियली ये बहुत अच्छा संस्थान है और आपकी जो भविष्य के लिए आपके फ्यूचर को लेकर आपके जो आने वाले टाइम के लिए जिस तरह के यहाँ पे पढ़ाई हो रही है रियली आप सब बहुत लकी हैं बहुत किस्मत वाले हैं इसलिए ढेर सारे धन्यवाद। जैसे भी खनन चाल बोलते गए थे कि हमारे टाइम में पढ़ाई होती थी इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते थे आपके लिए लक्ष्य 2021 तय किया तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब की सोच के बारे में। इससे जितने लोग जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोग हैं शर्मा जी बैठे हैं और भी लोग हैं सेल्फ मैं जानता हूँ उनको ये उनकी सोच की बात है सबसे सोच सी होती है। आगे बात आती है कि राजीव जी ने काफी अच्छा बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे अटेम्प्ट करना है 2 नंबर वाला पहले करना है 1 नंबर वाला पहले करना है तो उस चीज को लेके आपके शिक्षक आपके टीचर्स बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं तो मैं उसमें यही कहूंगा डीमोटिवेटेड मत रहे हमेशा पॉजिटिव रहे। आज का एग्जाम हुआ उसको बोलो अगले की तैयारी करो अगर किसी क्वेश्चन पेपर में आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए घर आके याद आ गया क्वेश्चन तो मैं कर सकता था वैसे उसको फार्मूले में उसका स्क्वायर रूट निकालना रह गया था वो रह गया था उसकी चिंता ना करें आप अगले पेपर पर फोकस करें अगले पेपर की तैयारी करें और जोर लगा के उसको दें मोटिवेटेड रहें पॉजिटिव रहें मन से दिल से। मेडिकल में नीट की तो फॉर्म होते हैं जो बच्चे एमबीबीएस में बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो इसी में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है लेकिन नीट के फॉर्म निकले हुए हैं नीट के जो फॉर्म है निकले हुए हैं जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं प्लीज वो अप्लाई कर दें अभी क्योंकि जब तक आपके एग्जाम हो रहे हैं इसका उस पर जाके जुलाई में हो अगस्त में हो कोरोना के समय सब बिस्तर है तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं नीट के लिए एग्जाम का फॉर्म भरे कुछ जरूरी मानदंड के जाने हैं वो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को पता होगा जैसे पहले भी बताया गया था कि बोर्ड एग्जाम में जनपद के केवल 2 स्कूल ऐसे गए थे जिनके 3-3 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आए हैं और उनमें से एक कॉलेज हमारा नव जनोदय है जिनके 3 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आए थे और वो स्टूडेंट हैं हाई स्कूल में अंकिता और नैन्सी जो अभी भी कक्षा 11 में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट इंटरमीडिएट में थी वंशिका जो हायर एजुकेशन ले रही है लेकिन आज के इस प्रोग्राम में वो शामिल हुई है आ रही है कॉलेज में और इसके अलावा 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी हमारे स्कूल का एक टॉपर स्टूडेंट टॉप 4 में आया था मोहम्मद दानिश जो कि अब कक्षा 12 का स्टूडेंट है। ये चारों स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं मैं इन चारों स्टूडेंट को मंच पर बुलाना चाहूंगा। इस बार ये इंटर के स्टूडेंट हैं और इनसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार की इंटर की सूची में भी निश्चित रूप से स्थान बनाएंगे। इसके बाद मैं ये थे हाई स्कूल और इंटर के टॉपर। इसके बाद एजुकेशन सेशन 2020-21 में हम लोगों की परंपरा रही है सर्वश्रेष्ठ छात्र और छात्रा का सिलेक्शन करने की और सर्वश्रेष्ठ छात्र और छात्रा का सिलेक्शन जो 12th NCERT स्ट्रीम में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में जोया जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में भी टॉप 10 की लिस्ट में थी और साकेत भी टॉप 10 स्टूडेंट्स में से शामिल रही है सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार अचीव किया है। इसके बाद अनाउंस करते हैं सर्वश्रेष्ठ छात्र विज्ञान वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में ऋतिक रावल और सुशांत। मैं डॉक्टर सुशील मोगा जी से आग्रह करूंगा कृपया अभी मंच पर आकर के इन कक्षा 11 के छात्रों की ओर से ये सम्मान यहाँ उपस्थित जो पत्रकार साथी हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं। मैं श्री अमित उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा आप ही आए और बच्चों से
मैं शक्ति चौधरी जी से आग्रह करूंगा आप भी आए किसी समय में। शिव कुमार जी यहाँ मंच पर खड़े होकर माइक लेकर के इन सारे प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करा करते थे। एक बार जोरदार ताली हमारे साथी शिव कुमार जी के लिए। इस कॉलेज के अध्यापक रह चुके हैं शिव कुमार जी और बहुत अच्छे से इससे पहले होने वाले फेयरवेल प्रोग्राम को आप संचालित करा चुके हैं। हार्दिक आभार भाई शिव कुमार जी हमारे बुलावे पर आ पाए। जोरदार तालियां श्री राजीव उपाध्याय जी के लिए। और राजीव उपाध्याय जी के लिए एक चीज और भी है वो अभी अनाउंस की जानी है, मैं उसके लिए भी राजीव जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर ही रुके रहेंगे। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा संदीप जी हमारे निकटवर्ती हैं और पटनी गांव में रहते हैं पटनी और इधर चिल्का क्षेत्र को पूरी तरीके